मातमी वाले, मातमी वाले पे, मातमी वाले पे। भाई एक मिनट, हुआ ये क्या करूं भाई, इसको कैसे चालू करूं? ये ओपन कैसे हुआ? ओपन करो यार। बैक करो, लिंक यहाँ पर ही मिलेगी। और तीन डॉट ना हाँ शेयर काम पर है। एक काम करो ना, अरे चैनल के लिए भेजेंगे ना? नहीं मेरे को उसके लिए भेजना, ग्रुप में भेजना सब लोग को। चैनल की लोग तो जाएगी कैसे जाएगा ना बाद में? एंड दिवस चल दिल्ली को शाजबेन, शाजबेन ग्रुप ओपन कीजिए पटाख से अपना। जल्दी ग्रुप ओपन कीजिए, जल्दी ओपन कीजिए। ये मोशन को लिंक भेजा है, ये ग्रुप भेजो पटाख से, पटाख से ग्रुप भेजो ग्रुप में। हाँ हाँ रुके 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 एक मिनट, अभी देखिए चालू करेंगे ना ये लिंक। हो गई लाइट, ठीक है घाट को पर, घाट को पर में भाभी का नंबर है। पानी जो पड़ा लेकिन लोग पढ़ रहे हैं ना इसलिए यार। सुनो भाई, ए भाभी कहाँ हैं? उनको बोलिए कामली आंटी को फोन करते हैं, कोई मोहसिन लोग जाके लोग जाए, भाई लोग जाके दे देंगे, है ना? भाई इधर लाओ यार, छोड़ो 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 भाई।
NEHA भाई जॉन, एक सलाम पढ़ दो ना। भैया
निशान कैदी
आवाज़ें बुलंद। नारे हैदरी, नारे हैदरी, दुश्मनाने अहले बैत पर मलून लाना बेशुमार, बर गाफिल से हक्के जहरा लाना। जमीन पर चल रहा है तो रास्ते पर चल रहा है, और कब अल्लाह
अल्लाह की तरफ से प्रोफुबा को हुक्म हो जाए और एक हिचकी आए जिस लेकिन नहीं रहेगा रूह निकल जाएगी, लेकिन ऐसी रूह का फायदा क्या कि जिस रूह में इमाम की मारफत हो। लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि ईमान की मारफत। यकीनन हमारे 12 अइमा अतहार 14 मासूमीन की मारफत हमारे लिए बहुत जरूरी है। गुफ्तगु को आगे बढ़ाते हैं तो हम उस आयत का सहारा ले लेते हैं जिसमें अल्लाह ताला अपनी बाबरकत किताब में इरशाद फरमा रहा है सूरह आले इमरान कि बेशक इन्नल्लाहु इस्तफा आदम व नूह व इब्राहीम व आले इब्राहीम व इमरान व आले इमरान, बेशक हमने इंतखाब किया, हमने चुनाव किया, हमने सेलेक्ट किया इसका आदम का और नूह का, उसके बाद इब्राहीम व आले इब्राहीम का, उसके बाद अगर किसी का इंतखाब किया तो इमरान आले इमरान का इंतखाब किया। अच्छा, यहाँ पे हमारे कुछ बरादरान अहले सुन्नत ये कहते हैं कि इमरान से मुराद यहाँ पर जनाब मूसा के वाले, यानी मूसा हारून के वाले। चलो ठीक है, अगर एक लम्हे के लिए हम इस आयत में इमरान से मुराद जनाब मूसा और हारून के वाले को ले लेंगे तो उसमें आयत आगे बताती है इमराना व आले इमराना। आप जनाब मूसा के वालिद को लेके आएंगे फिर आल कहाँ से लेके आएंगे? तो लिहाजा हमारे और आपके छठे मामे इमाम जाफर सादिक की खिदमत में एक शख्स आया और आके कहने लगा कि मौला ये बताइए कि इस हदीस से मुराद है कौन, कौन इमरान है? कहा इस हदीस से मुराद हमारे जद्दे अमजद अली इब्न अबी तालिब बुजुर्गवार यानी जनाबे अबू तालिब है। अल्लाह ने उनको ये ओहदा दिया है कि उनकी खानदान में जितने बच्चे हैं यानी जितनी आल है सब सिलेक्टेड है। गौर किया आपने, अब गुफ्तगू हमारी आगे बढ़ रही है। कहा बेटे को देख लो कुल्ले ईमान, नबी को देख लो जो उसका भतीजा है नबियों का सरदार है, 100,000 नबियों का सरदार है। घर की बहू को देख लो तो वो औरतों की सरदार है। आपने अब उसके पोतों को देख लो तो वो जन्नत के सरदार है। तो लिहाजा इन्हीं का तस्किरा है। एक सलवात पढ़े तो वो बात जाहिर सी बात है कि जब सारा ओहदा उधर मिल जाएगा तो सामने वाला जो महसूर जो महसूर नाश होगा यानी लोगों से जन्नत रखने वाला होगा तो जाहिर सी बात है उसके दिल में ऑटोमेटिक रंजिशें और हसद और गुप्त जो है बढ़ता ही रहेगा। और वो उस जमाने से शुरू हुआ और अभी तक जारी हो सारी है और न जाने कब तक जारी हो सारी रहेगा। सर बात बड़े पर जब ये आयत हमारी समझ में आ जाएगी तो फिर हम समझेंगे कि रसूलुल्लाह ने बता दिया कि याद रखो कि अपने जमाने की इमाम की मारिफत रखना। क्यों? रसूलुल्लाह को पता था कि मेरे जाने के बाद अली को लोग कैसे परामर्श करेंगे, सारी चीजें सामने थी। अच्छा, उनको हटाइए, रसूलुल्लाह का जमाना चला गया। जिसके दिल में मारफत इमाम हटाइए, जिसके दिल में अली की विला रहेगी अली की मोहब्बत रहेगी वो कभी खामोश नहीं रहेगा, कभी हक बयानी पे चुपचाप नहीं बैठेगा, जब बोलेगा तो हक बयानी से बोलेगा। और जिसके दिल में विलायत अली यानी अली की विला नहीं रहेगी मोहब्बत नहीं रहेगी तो वो समझ जाइएगा वो फिर इंसान इंसान नहीं है। वरना सादिया को देखिए, अब जिसके भी दिल में अली की विला आ जाए मोहब्बत आ जाए चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो हक बयानी से काम लेगा, अभी खामोश नहीं बैठेगा। लेकिन विला होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए जैसी विला रखने वाले वो लोग थे या वो लोग थी। तो वह सादिया अरे वह सादिया की बेटी और कहिए तो यहाँ पर मल्ली शुरू कर सादिया की बेटी। देखिए किस तरीके से उनके दिल में अली की बेला थी, मोहब्बत अली
मानने वाले बसरे से निकली वो कहा हाकिम शाम शाम पहुंची। जब दरबार पे पहुंची तो कादिन ने रोका कहा किससे मिलना कहा तुम्हारे हाकिम से मिलना नहीं जा सकते कहा क्यों नहीं जा सकते चलते। हाकिम ने जब सुना कि दरवाजे पर किसी से जो है तेज आवाज में बात हो रही है कहा कौन है कहा कोई बीवी है कोई औरत आई है जो आपसे मिलना चाहती कहा भेज दो उसको अंदर। जैसे ही देखा कहा अरे ये तो अली को मारने वाली है ये तो हुर्रे सादिया है कहा तुम यहाँ कहा शिकायत लेकर आई हूँ जो तुमने अपना गवर्नर भेजा है बचने में वो निहायत ही जलील आदमी है तुम अपने गवर्नर को खारिज करो हटाओ किसी दूसरे को वहां पर भेजो। कोई है जसारत कर सकता है कि भरे दरबार में जाके बोल के आए कि तुम्हारा गवर्नर गलत है उस हाकिम से जिस हाकिम ने भेजा हो गवर्नर बना के हाँ ठीक है मैं हटा दूंगा भाई हटा दूंगा। तुम यहां तक आ गई हो तो कुछ हमारी तरफ से इनाम भी लेकर चली जाओ हम तुमको फतह करना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए ये ऐसे होती है ना कि अली के चाहने वालों को हर तरफ से उतोड़ने की कोशिश करते हैं हर तरीके से खरीदने की कोशिश करते हैं। वो इनाम नहीं दे रहे थे वो लालच दे रहे थे कि किस तरीके से हमारी तरफ आ जाए। तो 1,00,000 दिनार अल्लाह के साथ रख दिया तो हुर्रे सादिया ने गौर से देखा और देखने के बाद कहा कि ये क्या है ये हमारी तरफ से है लेके चली जाइए बसरे आपके काम आएगा आपके काम आएगा। उसके बाद फिर तंज किया कहा क्या कभी अली ने इतनी दौलत दी थी थोड़ा गौर करिएगा अब हुर्रे सादिया अली की मानने वाली अली की चाहने वाली है क्या जवाब देगी कहा क्या कभी अली ने इतनी दौलत दी थी तुम्हारे अबाव अजदाद को क्योंकि मौला की शादत की बात नहीं बात हुर्रे सादिया ने गौर फिक्र किया और गौर फिक्र करने के बाद कहा कि अली एक दिरहम नहीं देते गौर करिएगा अली एक दिरहम नहीं देते। अब ये एक लफ्ज से क्या पता चले कि किसकी तरफ है अली एक दिरहम ना देते ये हमारी तरफ से बोल रही है कि अपनी तरफ से बोल रही है ना एक सलवार पड़े पर बोल अली एक दिरहम नहीं देते जिस तरीके से तुम दे रहे हो माले गनीमत में अली ने जो माल इकट्ठा करके रखा है वो गरीबों के लिए है किसी को खरीदने के लिए नहीं है। अब वो गरीबों के लिए है किसी को खरीदने के लिए नहीं है जो तुम इस तरीके से मुझे खरीदना चाहते हो। यकीन रखो मैं अली की चाहने वाली हूँ पता आपको तुम्हारे अली मर गए चले गए इस दुनिया से क्या जवाब होना चाहिए दूसरे जवाब का अली नहीं मरे अदालत मर गई है कितनी जाती सभा पर मोहम्मद अली नहीं मरे हैं अली जिंदा है अदालत मर गई अदालत खत्म हो गई जो अदालत मशहूर थी वो अदालत खत्म हो गई। ये भी रिवायत है जब इमाम की शहादत के बाद यहाँ तक कि इमाम हसन की शहादत के बाद किस तरीके से जुर्म हुआ किस तरीके से आलिमों पर जुर्म किया जाने लगा। देखिए ये जो आज मैंने शायद इस्लामिया में एक बात बोली थी वो एक बात यहाँ पर भी बोलूँगा। इस्लाम में 3 मकतब हैं एक बात बोलूंगा पूरी मजलिस रिपीट नहीं करूंगा एक सवाल पड़े पर वो बता सारे सवाल की मजलिस है कुछ फजाइले आले मोहम्मद बयान हो के और कुछ जो है बेटों की जो इताअत होती है वालिदैन पर वो क्या है वो भी अर्ज करती हूँ तब शायद कहना क्योंकि वक्त भी हो गया। हमारे इस्लाम में 3 मकतब है एक मकतब है फिकह जाफरिया से हम पहचाने जाते हैं दूसरा मकतब मकतबे सहाबा जिसे अहले सुन्नत पहचाने जाते हैं क्योंकि वो सहाबा को मानते हैं। तीसरा मकतब मकतबे उमैया बनी उमैया ये ऐसा मकतब है कि जिन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए
क्योंकि इनका इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। अब सुनिए वो बात जो मैं अर्ज कर रहा था, इमाम की शहादत के बाद, मौला अली की शहादत के बाद, मौला हसन की शहादत के बाद, वहां दरबार में जब मौला अली पर बुरा भला कहा जा रहा था मिंबर से, तो वहां पर बैठने वाला एक शख्स कहने लगा कि हाकिम शाम अब इससे ज्यादा जुल्म आले मोहम्मद पर ना करो, क्योंकि अली भी शहीद हो चुके हैं, हसन भी जा चुके हैं, और तुमने, तुमको जो चाहिए था वो तुमको मिल गया। क्या कहा तुमने? खड़ा हो गया अमीर शाह, जो उनका अमीर था, जो उन लोगों का अमीर था, जो हाकिम था, खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ आजान की आवाज आई, आजान की आवाज में जैसे ही नाम आया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कहा सुना तुमने? सुना तुमने? हमने किस लिए ये साजिश रची है? क्योंकि आजान में रसूलुल्लाह का नाम आ रहा, मेरे बाप का नाम नहीं लिया जा रहा। पूरे इस्लाम के दुश्मन है कि जो इस्लाम को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। एक साल बाद देना जरूरी है। पता चौथे मामले का बच्चा जुबैर
आप मुझे अंदाजना चाह रहे हैं, मेरा इम्तिहान लेना चाह रहे हैं? ना नहीं, इम्तिहान नहीं लेना चाह रहा, बस इसका एक जवाब बनना चाहिए, जवाब जाना चाहिए। घोड़े पर सवार थे चौधे, सवार होने के बाद चौधे जसीदी के करीब आ और आने के बाद अपने घोड़े को घुमाना शुरू किया, राउंड में घोड़े को घुमाना शुरू किया। माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत से ऐसे हजरात हैं कि जो सिलसिला के भी आशिक हैं, इश्क रखते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं माह अज़ा में। और देखते देखिए अब मैं उस जो पालने वाले हैं, जो उसके हर फन से वाकिफ होंगे, वो भी हर फन को जानते होंगे, लेकिन एक फन और भी है जो आज मैं अर्ज कर देता हूँ। चौथे इमाम ने घोड़े को फौजे अश्किया के करीब, फौजे यजीदी के करीब इतना घुमाया, इतना राउंड में घुमाया, एक ही जगह पर घुमाया कि घोड़े का मुंह घोड़े की पुश्त से मिल गया। गौर किया आपने, इसको कहते हैं कावा कट। गौर किया आपने, तो बोलते रहिए भाई। कावा कट ऐसा होता है, इंसान जब घोड़े को राउंड कराता है तो उसका मुंह उसकी पुश्त से मिल जाता है, यानी इतना राउंड कराता है। चौथे इमाम ने ये फन दिखा के फौजे यजीदी के मुंह पे तमाचा मार दिया कि अगर कोई हो तो आओ। तारीख में दो ही अली मिलते हैं कि जिन्होंने कावा कट कराया, एक कर्बला के मैदान में चौथे इमाम ने और एक जंगे अहद में मौला अली ने। अली ने कावा कट कहां पे कराया भाई? एक सदा आई थी कद कुतला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। अब अली की जिम्मेदारी थी कि मोहम्मद को भी बचाए, जंग भी जारी रखे, तो वहां पे मोहम्मद के पास आके, रसूलल्लाह के पास आके अपने घोड़े को मौला ने घुमाना शुरू किया। दाहिने हाथ से तलवार भी चला रहे हैं, बाएं हाथ से मोहम्मद की हिफाजत भी कर रहे हैं। अजब नहीं रसूलल्लाह ने यह देखा होगा, कहा अली आज तुमने मेरी हिफाजत की है, लोगों में पहचानवाया है, आओ एक दिन वो आने दो कि जब मैं तुम्हें पहचानवाऊंगा ये कह के कि मैं तुमको मौला हूं, कहां से अली हूं। जिन्होंने इस फन का इस्तेमाल किया वो भी जरूरत थे, वहां पे चौथे इमाम ने जवाब दिया है कोई माइकलदार जो इस फन को जानता है तो आए मैदान में। मौला ने अपना अपनी जो एक शुजात थी जो एक फन का वो पेश किया, चंगे औरत में मौला ने पेश किया था, क्या नजारा रहा होगा आप खुद इससे अंदाज लीजिए कि घोड़ा किस तरीके से राउंड कर रहा होगा चंगे औरत में, और रसूलल्लाह को बचा भी रहे हैं और दाहिने हाथ से मुशरिकीन को कुफार को मार भी रहे हैं मौला, और एक हाथ से रसूलल्लाह की हिफाजत भी कर रहे हैं, यानी बाया हाथ रसूलल्लाह के ऊपर है। तब हम इनको समझेंगे कि इनके इनके कौल क्या, ये हमसे चाहते क्या। यकीनन हर मोड़ पर, हर मंजिल पर आले मोहम्मद ने बताया कि इबादत क्या है, रोजा क्या है, नमाज क्या है, हमारी इताअत क्या है, माँ बाप की इताअत क्या है, सारी चीज़ें उन्होंने बताई। एक से लेकर 12 इमाम तक, जब तक इमाम के आखिरी इमाम के चार नायब थे, तब तक वो भी आके हमको मौला के मैसेज को उनके चाहने वालों को ला के पहुँचाते थे। तो हद से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि असल इस्लाम क्या है, असल मारिफत क्या है, मारिफत का मकसद क्या है। वरना तो बहुत से ऐसे थे कि जिन्होंने क्या क्या दावा आके कर दिया। चले इमाम के ज़माने में शख्स आके बोलने लगा ना कि मौला आप तलवार क्यों नहीं उठाते हैं? आप तलवार उठाइए, हम 10,000 का लश्कर आपके साथ लेकर आए। मौला ने कहा नहीं, कहा नहीं आप बढ़िए तो तुम्हें हारून मक्की आ गए, तुम्हें हारून मक्की आ गए, हारून मक्की तंदूर में पूछ जाओ। इमाम का हुक्म है, इमाम के हुक्म में क्यों क्या चूं चरा नहीं करते। वक्त का इमाम अगर हुक्म दे दे तो फौरन पूछ जाओ। अरे हारून मक्की का क्या हुआ होगा? और जब बात खत्म हो जाती बड़े इत्मीनान से इमाम आते हैं हारून मक्की के जहां जिस तंदूर में रहते हैं, जब हटाते हैं ऊपर में तो क्या देखते हैं? अरे हारून मक्की तस्बीह और तहलील में लगे हुए हैं, इबादत खुदा में लगे हुए हैं। हारून
तुम तस्बीहों तहरीर में लगे हुए, तुमको कुछ हुआ नहीं? दूसरे का नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। फौरन इमाम ने कहा कि हारून से नहीं, इधर मुखातिब हो, अगर हारून के जैसे 10 हो जाए तुम्हारे पास तो मेरे पास आना, मैं तलवार उठा लूं। छठी इमाम के जमाने का एक बात है, बगदाद के लोगों ने इनको बुलाया, वो अयाम से चलो बगदाद के लोगों ने छठे इमाम को बुलाया। वो बुलाया इसलिए था, किसी साजिश के तहत बुलाया था कि जाफर सादिक को बुलाओ और ऐसे ऐसे मसले पूछो कि ये जो है ना बता पाए और लोगों के सामने जलील हो जाए। लेकिन वो इमाम तो गए, उन्होंने मसला भी क्लियर कर दिया। अच्छा, कुछ ऐसे थे कि जो फसाना भी चाह रहे थे मौला को, धोखा भी देना चाह रहे और धोखे बात करते भी, इन्हें भी बुलाए। कहा चलिए हम आपके साथ चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप उनको बेदार कर दो, सब बात बड़े एरिए में मौलाना है, मैं नामी मेरा भी मौलाना है। तो जमाने कदीम में एक गाँव में गए थे मजलिस खोलने के लिए, यानी जब हमारा वजूद भी नहीं था, जो हमारी ये जवाने हैं उनका वजूद भी नहीं था, यानी जो भी है तो अपने साथ कैसी साथ है, तो हालात की बात को कहने वक्त मेरी बारी पड़ जाती है, बात और पहले की बात, वो जमाना अभी भी उतना तरक्की नहीं किया, अभी भी वैसी है वहाँ। तो मौलाना मजलिस पढ़ के निकल ही रहे थे अपनी बाइक नहीं स्कूटर थी उस जमाने में उनके पास, 10-15 लोग नहीं कुछ नहीं, चलिए रोड तक चलिए ऐसे ही हमारे साथ, ताकि एरिया में पहचान मार दे कि आप हमारे मौलाना, ताकि कौन जो है आपको हाँ परेशान ना करे। तो वैसे जब इमाम वापस आ रहे थे ना, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं हम रास्ते तक आपके साथ चलेंगे ताकि रास्ते में आपको कोई दिक्कत ना हो। मौला ने कहा मैं सारे रास्ते से बाकी हूँ, मैं चला जाऊंगा जिस रास्ते से आया हूँ। अच्छा, उनका मकसद ये था कि उस जमाने में बगदाद में एक आदमखोर शेर आया हुआ था कि जो जिस आदमजात को देखता था चीर उठा के खा जाता था। उनका मकसद ये था कि सादिक आले मोहम्मद को उसी रास्ते पर ला के छोड़ देंगे, उसी रास्ते पर ला के छोड़ने में शेर अपना काम कर देगा, हमारा काम भी हो जाएगा। आगे ही बढ़े थे कि आ गया दहाड़ते हुए। अब जैसे ही दहाड़ते हुए इमाम के पास आया, जो पीछे थे एक दो तीन, कहा इमाम को रास्ता बताने आ रहे थे और कहा आप नहीं, रास्ता जो है नाप लिया लोगों ने, शेर आया। अच्छा, कोई झाड़ी में कोई पेड़ पर जिसकी जहां जो जगह बनी छुप गया, तो आइटने में और बात बिगड़ जाती है, फिर मामला और ऐठा हो जाता है। निकलने के बाद कहा कि देखो ये इंसानों के चलने फिरने का रास्ता है, ये तुम्हारे आमद और रफ्त का रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता उधर जंगल में, चलो जाओ। जैसे ही एक मुख में इमाम था, जानवर जान गया कि मारिफत इमाम क्या है, फौरन चला गया। अब जैसे ही शेर चला गया तब तो कोई डर नहीं था, जितने छुपे थे सब बाहर आ गए। अरे मौला मौला, शेर ने आपके ऊपर हमला नहीं किया, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? कहा नहीं, वो आया था आके चला गया। एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जिनका ताल्लुक भागने वालों की नस्ल से था, जिनका ताल्लुक भागने वालों की नस्ल से था वो भाग गए, और जो हैदर कर्रार का पोता था वो अपनी जगह खड़ा रहा। ऐसा बात ले मोहम्मद वाले, मोहम्मद वाले, वाह, गीत जाती सलवात पे पर मोहम्मद हर जमाने में दुश्मन, हर जमाने में साजिश करने वाले, हर जमाने में फितना पैदा करने वाले थे, लेकिन सबको रोका है इमाम ने, इमाम के चाहने वालों ने। एक छठे इमाम के जमाने में 4,000 शागिर्द, बाद में तो कौन कौन फिकह जाफरिया के मुकाबले में लाए गए,
कोई हम्बल बन के आ गया, कोई शाफी बन के आ गया, कोई मालिकी बन के आ गया, कोई हनफी बन के आ गया, और इनको ये नहीं पता कि इनमें दो जो दो इमाम बने बैठे हैं तो दोनों शागिर थे इमाम जाफर सादिक के, दोनों शायद अच्छा ये आगे है भी तो सिर्फ फिक्र के मामले में आगे। लेकिन इमाम के 4000 शागिर ऐसे थे जो हर मैदान में आगे, चाहे वो इनमें दिक हो, चाहे वो इनमें रिजाज हो, चाहे वो इनमें साइंस हो, चाहे उनमें कीमिया हो, हर मैदान में आगे। और इमाम के ऐसे चाहने वाले थे, ऐसे साहबी थे कि जो इमाम के मैसेज को, इमाम के पैगाम को आगे तक लेके जा सकते थे। कुछ मसले मसाइल नहीं, हर के लिए अगर कोई मसले होते तो वो भी सर्व करते थे, हल करते थे। इसीलिए हमारे आपके पहले इमाम इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में एक जवान आया और आने के बाद कहा कि मौला जब रसूल अल्लाह जिंदा थे तो मैं जब वो बाहयात थे तो उनके ज़माने में मैंने इस्लाम को कबूल किया, कलमा पढ़ा आपका और रसूल अल्लाह का, लेकिन मेरे माँ बाप अभी भी बाहयात हैं, वो मुसलमान नहीं हुए, काफिर हैं, तो क्या मेरे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने वालिदैन की इताअत करूँ, क्योंकि मैं अकलौता था, कोई उनका थारा नहीं है। कहा जाओ, हो गए हो, हमारे साथ हो, हम तुमको अपना मानते हैं, लेकिन अपने माँ बाप की इताअत करो। बोलो तुमको अगर वो परेशान करते तो मसला दूसरा है, जैसे जनाब सलमान फारसी का था। लेकिन जब तक जिंदा है इताअत करो, क्योंकि जनाब यूसुफ क्या थे, एक नबी थे, एक बादशाह थे, मिस्र के बादशाह थे, और वही पर उनके वाली जनाब याकूब एक बड़े नबी जिनसे कौम इसराइल जो है आगे बढ़ी। लेकिन एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि भाइयों ने भाई को परेशान किया, मारा पीटा जंगल में लाके, हाँ उसके बाद क्या क्या किया, फिर उसके बाद कुएं में डाल दिया, कुएं में डालने के बाद फिर निकाला, जो काफिले वाले आ रहे थे उनके सामने मारा। हमारे बाद हमने कहा है कोई इताअत वाली बात हो गई, याद रखो वो इंसान सबसे बड़ा होता है कि जो अपने सामने वाले को माफ कर दे। मैं यहाँ से बसाई की तरफ धीरे धीरे बोल रहा हूँ, जनाबे यूसुफ के भाइयों से बड़ा कोई जालिम था जिसने अपने भाई पर इतना जुल्म किया? हाँ, वक्त बदले, हालात बदले, जनाबे यूसुफ बड़े हुए, खरीद भी लिया, उसके बाद जब और वक्त आगे बढ़ा तो वो वहां के बादशाह बन गए। वक्त इतना आगे बढ़ा कि कहत भी आ गया, सब परेशान हो गए, भाई जो वहां पे रहते थे कनान के वहां निकले, और कहां के लिए, मिस्र के लिए, काहे के लिए, गंदुम लेने के लिए। लेकिन जब पहुंचे तो यूसुफ ने इनको पहचान लिया, उन्होंने अपने भाई यूसुफ को ना पहचाना। लेकिन देखिए इतना परेशान करने के बाद, कुएं में डालने के बाद, यहां तक कि मिस्र के बाजार में गोली लगी, फिर कैद खाने में डाले गए, जुलेखा ने कैद खाने में डाला, वहां पर परेशानियों को झेलना पड़ा, वहां से फिर बाहर आए, सारी परेशानियां एक तरफ जनाब यूसुफ ने रखी, लेकिन अपने भाइयों को देखकर मुस्कुरा दिया। आज के जमाने में कौन भाई ऐसा होता है? लेकिन जब करीब आए किसी तरीके से उनसे जो पूछा सारे मामला, मैं अगर ये हिस्ट्री लेके बैठ जाऊंगा तो कुछ थोड़ा तो और वक्त चला जाएगा, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता सवाल थोड़े पर मोहम्मद वाले उसी में से एक भाई थे। कौन? दुनिया में जनाब यूसुफ और जनाब दुनिया में एक ही माँ से थे, और भाई दूसरी माँ से, लेकिन अपने भाई से मोहब्बत रखते थे, उनको रोकना था। तो किस तरीके से रोका? वो बचपना उनको याद आ गया कि किस तरीके से जनाब यूसुफ की जो कुपी थी जनाब यूसुफ को पालती थी, जब जगह जनाब यूसुफ के कमर में बांध दिया था, तो वहां उस कानून के हिसाब से अगर कोई चीज किसी के पास मिलती थी तो वो मजीद एक साल दो साल के लिए सारी आया, एक
सारी दिक्कत पैदा भैया एक नूर निकला और मार दो बाबा के पास तो महत्वपूर्ण जगह पे रख दो ये जनाबे याकूब की सलवात है। आफी का जज्बा आले मोहम्मद इंसान बुलंद होता चला गया। आगे मैं बसा लेकिन शबे आशूरा हक पर जा रहा हूँ पट्टी बांध दी। आगे मैं बसा जब करीब पहुंच रहे थे ना तो हुर ने अपने बेटे से कहा कि हुर और करीब आगे बढ़ा ना तो एक बार